दोस्तों, आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं मोशन एड इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए, जिसमें कि आप देख रहे हैं। तो इसमें हम एक मैसेज भी दे रहे हैं यूजर्स को कि आपको ये स्कूटर क्यों खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह के एड आपको कैसे बनाने हैं और इसके पीछे की थिंकिंग क्या है, तो चलते हैं। इसको पहले हम फोटोशॉप में डिजाइन करेंगे, देन उसके बाद फिर हम इसको आफ्टर इफेक्ट में एनिमेट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं स्कूटर लेकर अपना जो इमेज है, और यहाँ से मैं एक शेप लेकर यहाँ पर बैकग्राउंड सबसे पहले हम क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर हल्का सा मैं ग्रे स्टोन ले रहा हूँ, और जो यहाँ पर हम बैकग्राउंड बना रहे हैं वो थोड़ा सा हम ग्रे स्टोन में रखेंगे, ताकि ये पॉल्यूशन से हम थोड़ा सा उसको दिखा सकें। तो यहाँ पर ये रख रहा हूँ, और पीछे मैंने बैकग्राउंड में ये सीन लगा रहा हूँ, और ये इस तरह से इसको सेट कर लेते हैं ऊपर। तो ये वेक्टर इमेजेस हैं जो कि इसमें यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल यहाँ टाइप टूल लेकर मैं लिख रहा हूँ नोएजी एंड पॉल्यूटिंग भी लिखूँगा। तो यहाँ पर मैं जो कलर टेक्स्ट का है वो भी ग्रेइश ले रहा हूँ, तो थोड़ा ओवरऑल हम यहाँ पर ये टोन रखेंगे। तो ये ठीक है। अब इस पर पॉल्यूटिंग हम लिख लेंगे, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा रखूँगा इस तरह से, और इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ये अब मैं ओवरऑल टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, तो यहाँ पर ये मुझे ठीक लग रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट सीन यहाँ पर तैयार हो गया है। तो अब हम सेकंड सीन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इन सारी लेयर्स को एक ग्रुप में डाल दूंगा, तो हम ग्रुप्स में ही काम करेंगे। तो इसके सिंपल एक राइट क्लिक कर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, और ये डुप्लीकेट ग्रुप कर देंगे यहाँ पर। तो इस वाले ग्रुप में मैं सिंपल इस इमेज को हटा दूंगा, और यहाँ पर ये वाली इमेज हम लेकर आ जाएंगे, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ठीक है, इसको अंदर रख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो मुझे थोड़ा सा यहाँ ग्रीनरी दिखाना है, मतलब पॉल्यूशन इससे नहीं होता है, तो उस तरह से हमें यहाँ पर शो करना है। तो यहाँ टेक्स्ट भी मेरा अफोर्डेबल एंड इको फ्रेंडली है, तो यहाँ पर भी मैं ये पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर ग्रीनिश कलर थोड़ा सा मैं यूज़ कर रहा हूँ, ताकि वो रिप्रेजेंट करे उसको, इको फ्रेंडली हमारा जो नेचर है। ठीक है, तो ये कलर हम यहाँ से ले सकते हैं, तो मुझे ये कलर ठीक लग रहा था, तो ये सही है, ये सीन सही हो गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये पत्तियाँ हैं यहाँ पर डाल दूँगा कॉर्नर में, तो ये भी यहाँ देखने में काफ़ी सही लगेंगी। तो इसको मैं इधर कर लेता हूँ, और इसको इस साइड रख लेते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट सेकेंड सीन भी यहाँ पर तैयार हो गया है। अब इसको भी मैं यहाँ पर एक ग्रुप को कॉपी करूँगा, और थर्ड सीन में बस सिंपल मैं स्कूटर का जो ब्रांड नेम है वो यहाँ डालूँगा, और बाकी सब चीज़ों को मैं हटा दूँगा। तो यहाँ डुप्लीकेट करके मैं इसको ला रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ से सिंपल ये सारी चीज़ें हटा दूँगा। तो यहाँ पर सिंपल हम अपना जो ब्रांड नेम है वही रखेंगे, TVS का iQube स्कूटर है ये। तो इस तरह से हम ये टैक्स यहाँ पर रखेंगे। तो ये इसका फॉन्ट में यहाँ पर ये यूज़ किया है, और इसको हम यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिक में मैंने ये फॉन्ट यूज़ किया है। तो इसको पहले हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं कि हमें कहाँ पर ये ठीक लगेगा। ठीक है, तो iQube ये मुझे वैसे सही लग रहा है, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर एक डॉट भी डालूँगा i के ऊपर, जो कि यहाँ मिस है, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। फॉन्ट में वो चीज़ नहीं थी, बट हम अलग से यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो ये अब सही लग रहा है यहाँ पर। तो ये थर्ड सीन भी मेरा यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो ये हमारे फर्स्ट सीन ये है, और सेकंड में हमारा ये है, और थर्ड हमारा जो ये सीन है। तो हमारा सीन कंप्लीट हो चुका है, अब इसको लेके चलेंगे हम आफ्टर इफेक्ट में। तो यहाँ से हम डबल क्लिक करके, तो मैंने फाइल वो सेव कर दी थी, तो यहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन हमें ये रखना है साइज लेयर का एडिटेबल, ओके करेंगे तो हमारी ये फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम जाएंगे, तो इस वाले के अंदर हम यहाँ जाएंगे, तो आप देखेंगे जैसे हमने लेयर्स वहाँ पे की थी, तो सेम वही यहाँ पर लेयर हमारी आ चुकी है। तो ग्रुप वन और ग्रुप टू और थ्री में सब में हमारा अलग अलग सीन आ चुका है। तो ग्रुप वन का हम एनिमेट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं स्कूटर को सबसे पहले एनिमेट करूँगा, तो ये वाली लेयर को सेलेक्ट करके मैं पी प्रेस करूँगा, तो पोजीशन में यहाँ मैं की फ्रेम दे रहा हूँ। तो
इसको सबसे पहले लेफ्ट से हम यहाँ से लेकर आएंगे इस तरह से, तो ये हमारा ठीक है, टाइमिंग हमें अपने हिसाब से रखनी है। और बाद में मैं यहाँ पर ऐड करूँगा की फ्रेम, ताकि ये सीन से मैं इसको बाहर ले जा सकूँ। यहाँ पर मैंने की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर इसको मैं यहाँ सीन से बाहर ले जाऊँगा इस तरह से। ये थोड़ी देर आकर रुकेगा और ये चला जाएगा, तो यहाँ पर ये सही है। अब इस एनिमेशन को थोड़ा स्मूथ करेंगे तो यहाँ पर हम इजी ईज यहाँ डाल देंगे, जिससे कि ये एनिमेशन थोड़ा सा और स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सही है, तो ये सही है। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे, तो यहाँ पर मैं इस लेयर को, टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करके इनको एडिटेबल टेक्स्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पर। तो अब इसमें हम एक इफेक्ट डालेंगे, इफेक्ट में जाकर टर्बुलेंस डिस्प्लेसमेंट, आप यहाँ से प्लगइन ये है ऑलरेडी रहता है, तो इसको इस पर डालेंगे, तो यहाँ पर ये इस तरह से डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ एवोल्यूशन पर मैं की फ्रेम दे दूँगा जहाँ से स्कूटर का ये एंड है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको घुमाऊँगा, तो ये देख रहे हैं कि इस तरह से इसमें एनिमेशन होगा, ठीक है। तो यही सेम मैं कॉपी करूँगा कंट्रोल सी, और इस वाली लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल वी कर दूंगा, तो ये सेम एनिमेशन इसमें भी पेस्ट हो जाएगी, तो इस तरह से ये चलेगी, तो ये ठीक है। ठीक है, अब हम जाएंगे सेकंड ग्रुप में, इसको भी हम फिर से एनिमेट करेंगे। इसमें भी हमें स्कूटर का सेम वही मोशन देना है, तो मैं फर्स्ट वाली इसमें जो की फ्रेम हमने दिए हैं स्कूटर को, यहाँ से ये कुछ पोजीशन कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर पी कर प्रेस करके यहाँ पर वो पेस्ट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ईजिली वो भी एनिमेशन, सेम एनिमेशन यहाँ पर भी आ चुकी है, ठीक है, तो ये सही है। और इसके बाद में यहाँ पर जो हमारा ग्रीन पार्ट है उसको हम एनिमेट करके लाएंगे, तो यहाँ पर मैं डिसॉल्व करके ये प्लगइन है इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, बिल्ड है ये भी, और इसको यहाँ डालेंगे तो सिंपल ये ऑटोमेटिकली इसने एनिमेशन ले लिया है, अपने आप की फ्रेम उसने दे दिए हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से इसने एनिमेट कर दिया है इसको। अगर मैं इसको आइसोलेट करके दिखाता हूँ तो इस तरह से ये रिवील होगा, जो कि सही है, मुझे एनिमेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। और ऊपर मैं जो हमारी पत्तियाँ हैं इनको मैं यहाँ पर एनिमेट करूँगा, तो पपेट ट्रैप टूल लेकर मैं यहाँ दो पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप यू प्रेस करेंगे तो आप उसका जो पोजीशन है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल मैं इनमें पोजीशन को इधर उधर मूव करूँगा इस तरह से, और फिर अगले फ्रेम पर मैं इसको वापस जहाँ पर था वहीं पर ये कॉपी फ्रेम करेंगे और पेस्ट कर देंगे, तो ये उसी पोजीशन में यहाँ पर आ जाएगा। तो ठीक है, इसको राइट क्लिक करके सेम इजी इज हम कर देंगे, तो ये मेरे लिए अब सही है। लेकिन इसको हमें यहाँ पर लूप में चलाना है, तो हमें पोजीशन पर ऑल्ट प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से हम लूप आउट ये सेलेक्ट करना है सिंपल, तो ये लूप में चल जाएगा। तो यही सेम कोड हमें दूसरे वाले पे भी लगाना है, ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, तो ये हमारी जो स्क्रिप्ट वाली टैब है वो खुल जाएगी, सेम उस पर पेस्ट कर देना है। तो ये देख रहे हैं आप, ये लूप में यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो सिंपल अब मैं दूसरे वाले को डिलीट कर दूंगा और इसी की कॉपी लेकर सिंपल इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप करके हम यहाँ लगा देंगे, जिससे कि ये हमें दोबारा एनिमेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आ चुका है और ये सिंपल चल रहा है। तो अभी दोनों सिंक में है, तो मैं थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर दूंगा, जिससे कि ये अनसिंक थोड़ा सा इस तरह से चल रहा है, जो कि देखने में सही लग रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम जो हमारी पत्तियाँ हैं उनको भी हम ट्रांजिशन करके लाएंगे, तो ये ब्लॉक डिसॉल्व मैंने यहाँ से कॉपी किया और सिंपल इस पर पेस्ट कर देंगे, तो ये देखेंगे कि ये भी इस तरह से एनिमेट होकर आ रहे हैं, मतलब जो उसका रिवील हो रहा है उस तरह से, तो ये हमारा यहाँ ठीक है। तो ऐसे ही हम सेम अब टेक्स्ट को भी करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल कंट्रोल वी प्रेस कर लेना है, जिससे कि ये सारे फ्रेम्स यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आगे पीछे करके टेक्स्ट को लाऊंगा, तो टेक्स्ट थोड़ा सा मेरा लेट आएगा, पहले बाकी चीज़ें आ जाएंगी, फिर टेक्स्ट हमारा यहाँ अपीयर हो रहा है, जो कि यहाँ पर ठीक लग रहा है देखने में, ठीक है। अब उसके बाद हम चलेंगे अब थर्ड सीन में,
तो थर्ड ग्रुप में हम यहाँ पर फिर से इसको हम एनिमेट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल वही सेम कॉपी फ्रेम करके मैं यहाँ पर पी प्रेस करके पेस्ट कर दूंगा, तो ये सारा एनिमेशन वापस से इसमें आ चुका है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर हम अल्फ़ा डालेंगे, तो यहाँ पर मैं ऑल्ट के साथ प्रेस करके यहाँ पर डाल रहा हूँ विगल, जिससे कि एक ट्यूबलाइट वाला इफ़ेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा। तो यहाँ पर हमें डालनी है इसके अंदर वैल्यू, जितनी ज़्यादा वैल्यू हम पुट करेंगे उतना जल्दी जल्दी ये ब्लिंक करेगा, इस तरह से देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर ये वैल्यू कम है, इसको 300 में कर दूंगा, जिससे कि आप देख रहे हैं ट्यूबलाइट की तरह इस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यही सेम मैं कॉपी करूँगा कोड, और जहाँ जहाँ मुझे डालना है वहीं पर मैं पोजिशन ओपेसिटी पर तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे ओपेसिटी पर तो ये सब जगह पेस्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं मैंने सब जगह पे ये डाल दिया है इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि ब्लिंक सारा कुछ यहाँ पर कर रहा है ट्यूबलाइट की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही है। अब हम तीनों सीन को एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा टाइमिंग के हिसाब से, जैसे जैसे हमारे फ्रेम्स आ रहे हैं। तो यहाँ से ये आया, उसके बाद जब ये स्कूटर यहाँ से निकलेगा तब हम दूसरा सीन यहाँ पर लाएंगे इस तरह से। तो देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छी एक स्मूथ ट्रांजिशन बन चुकी है, जो कि इसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो थर्ड वाले को मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन मुझे यहाँ से हटानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं सिंपल पोजीशन में फ्रेम दे दूँगा दोनों की, और यहाँ पर मैं सिंपल की फ्रेम ऐड करूँगा। तो जो ग्रीन वाला सीन है मुझे उसको पीछे की तरफ लेफ़्ट साइड में ले जाना है, तो इस तरह से मैं इसको लेफ़्ट कर दूंगा, जिससे कि हमारा नया वाला सीन सामने आएगा, ठीक है। इस तरह से ये गया और ये हमारा सीन यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी इसको भी मुझे यहाँ से करना है राइट, तो पहले फ्रेम पे मैं इसको कर दूंगा राइट, तो ये सीन हमारा पहले आ रहा है इधर। तो इस तरह से ये हमारा सीन बनेगा, ट्रांजिशन बनेगी इस तरह से, देख रहे हैं। तो इस तरह से हमें करना है सेम। तो ये मुझे ठीक लग रहा है यहाँ पर, ये काफ़ी अच्छी ट्रांजिशन यहाँ बन चुकी है। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको और स्मूथ करूँगे, तो यहाँ पर मैं अंदर जाकर इस ग्रुप टू में जो उसका मोशन ब्लर है वो मैं यहाँ पर ऑन कर दूँगा, जिससे कि ये इस तरह से मोशन होकर जाएगा, जिससे कि लाइंस जो हमारी एजिस है वो नहीं दिखेंगी। तो सेम सिंपल थर्ड वाले सीन में भी मैंने मोशन ब्लर ऑन कर दिया है, तो एक ट्रांजिशन इस तरह से होगी, ये काफ़ी सही लग रही है। तो यहाँ पर हम सिंपल अब देंगे ईज, तो मैं ईजी ईज कर दूंगा, और थोड़ा सा ग्राफ एडिटर को यहाँ पर हल्का सा हम मैनिपुलेट करेंगे, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो मैं इसको लेफ़्ट की तरफ थोड़ा खींचूँगा इस तरह से, तो वो देख रहे हैं कि काफ़ी थोड़ा फास्ट और एकदम स्मूथ होकर ट्रांजिशन यहाँ पर बन रही है, तो ये ठीक है। अभी हम सारे सीन को प्ले करके देख लेते हैं किस तरह से चल रहा है ये इस तरह से, जो कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पर बन चुका है सीन। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इसका यहाँ फाइनल लुक आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैंने ऑडियो के साथ थोड़ा इसको सिंक किया था, और स्टार्टिंग में एक फॉग का इफेक्ट डाल दिया था, तो दो इफेक्ट हमने डाले हैं, तो इसका फाइनल लुक ये ऐसा बना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर हम आपने देखा कि हमने सिंपल एनिमेशन किया है उसके अंदर, और हमने कोई ऐसा प्लगइन यूज़ नहीं किया है, सारा कुछ जो कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर इनबिल्ड चीज़ें हैं हमने वही यूज़ की हैं, और उसी से ही हमने इतना बढ़िया यहाँ पर एक मोशन बना लिया है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।